शहर और गिरदोनवाह में धुंध, सर्दी की लहर बरकरार। मतला जुज़्वी तौर पर अब्र आलूद रहने की पेशगोई। लाहौर से शेखपुरा मोटरवे धुंध में कमी होने पर खोल दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गाड़ियों पर फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। तमाम देहातों में विलेज काउंसिल कायम करेंगे, मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। 30% फंड्स विलेज काउंसिल को देंगे, ये लोग बाख्तियार होंगे। फंड्स को खर्च करना, तरक्याती स्कीमें बनाना उनकी जिम्मेदारी होगी। सूबे की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपने मेयर के मातहत होंगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का बैनुल सूबाई बल्दियाती इजलास से खताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बल्दियाती वज़रा और महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। नवाज शरीफ के जेल में तिब्बी मुआयने के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर शाहिद हनीफ, डॉक्टर सज्जाद अहमद और हमीद खलील शामिल। मेडिकल बोर्ड की नवाज शरीफ के 3 टेस्ट करवाने की तजवीज़। नवाज शरीफ की उम्र 69 वर्ष है, दिल के आरजे में 2001 से मुबतला है। रिपोर्ट। आईजी पंजाब का रिटायर्ड अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को फौरी हटाने का हुक्म। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं पुलिस नफरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्राइम फाइटिंग के लिए होगा। तमाम अफसरान अवाम दोस्त पॉलिसीज पर जोर दें। जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शहर में डकैत गैंग सरगर्म। रिवाज गार्डन में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरियों को लूट लिया। डाकू गाड़ी में मौजूद लोगों से लूट मार करके बासानी फरार। लाहौर न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। तालीम के साथ तलबा के लिए शानदार रोजगार के भी मौके। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सालाना जॉब फेयर का इनेकाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, टेक्सटाइल समेत 91 कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। यूसीपी के प्रोडक्टर डॉक्टर जफरुल्ला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। बोले जॉब फेयर का मकसद तलबा को अपने डिपार्टमेंट से मुतालिक रोजगार फराहम करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का एक और अहसन कदम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम। सिस्को और यूसीपी के इश्तराक से सिस्को नेटवर्क एकेडमी कायम कर दी गई। 20 कोर्सेज से यूनिवर्सिटी के तलबा इस्तफादा हासिल करेंगे। शुरका में शील्ड्स भी तकसीम। पिलाक में यूरोप से आए सहाफ़ियों के एजाज में सूफी नाइट का एहतमाम। गुलकार साईं जहूर ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया।